नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बलिया से है। नवागत पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने मीडिया से पहले दिन वादा किया कि जिले में सभी से क्रमशः संवाद करूंगा। दूसरे दिन सभी अखबार के रिपोर्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व डिजिटल के लोगों से परिचय प्राप्त कर भौगोलिक स्थिति जानने की कोशिश की। वर्ष 2017 में बलिया में अपर पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं, जो आज बलिया के नवागत पुलिस अधीक्षक हैं। आइए सुनते हैं नवागत पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं। विटाम न्यूज के लिए एजाज अहमद के साथ मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। देखिए, सर्वप्रथम तो आज सभी आप लोग मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप लोगों ने जो सुझाव रखे हैं इसके लिए मैं आप लोगों का पहले तो धन्यवाद करता हूँ। शासन की, पुलिस महानिदेशक महोदय की जो भी प्राथमिकताएं हैं काफ़ी स्पष्ट हैं। महिलाओं, बच्चों, सभी वर्गों के अपराध हैं, उनके खिलाफ जो अपराध हैं उस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। बलिया जनपद है, चूँकि ये इंटरस्टेट बॉर्डर है, उस पर जो भी अनावश्यक जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। अन्य जो अपराध हैं, जैसे यहाँ पे जो पर्टिकुलरली सूटखोरी के जो अपराध हैं वो भी प्रकाश में काफ़ी आते हैं। इसकी जो समस्या है उस पर भी पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम कुछ लगाएं। लोग यहाँ पे जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। जनप्रतिनिधि महोदय से संवाद करते हुए, उनके सहयोग से, मीडिया बंधुओं के सहयोग से कैसे हम इन जनपद में पुलिस प्रशासन को अच्छा बेहतर कर सकें, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रख सकें, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी समस्या है बात की जब आप आए हैं तो एक ऐसी स्थिति है जबकि पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय में गैप है। एक तरफ आपके ऊपर लांछन लग रहे हैं और दूसरे तरफ उनके विश्वास में अभाव है। तो इस क्रम में अभी आपके यहाँ कुछ पुलिस के जवान फरार चल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है? जैसे कि पब्लिक के ऊपर होता है तो 48 घंटे के बाद इनाम घोषित हो जाता है, आप यहाँ 48 घंटे से ज़्यादा हो गया तो चूंकि वर्दी वाले हैं तो उनके ऊपर इनाम नहीं हुआ, तो इस तरह की बातें चर्चाएं हो रही हैं पब्लिक के लिए, इसमें क्या हो रहा है सर? देखिए, जो नंदी थाने में पंजीकृत मुकदमा है उसमें जो भी दोषी हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हों या सिविलियन हों, उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी टीमें सक्रिय हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तत्काल हम लोग गिरफ्तारी के पूरे प्रयास कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बेहतरीन है, आम पब्लिक को प्रॉपर जो मिल सके, हेल्प मिल सके, उसके लिए सब सारे प्रयत्न किए जाए। सर, बॉर्डर का थाना नहीं है और बॉर्डर की चौकी को रंटा दी है, थाने से थानेदार गायब है, चौकी से इंचार्ज वहाँ से गायब है और उसके पीछे पुलिस पड़ी है। एक तरफ वर्दी भाग रही है, पीछे से वर्दी पकड़ रही, लेकिन अब तक वर्दी ने क्यों नहीं पकड़ पाया? जैसा मैंने बताया, उस जो अपराध जो दर्ज हुआ है थाने के जानते हैं, उसमें जो भी कर्मी हैं वो पकड़ लिए गए हैं, जो अभी तक विकास में आए हैं और उनके पकड़ में नहीं आए हैं उनकी नदी में सक्रिय हैं। किसी भी दशा में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। हमारी टीमें सक्रिय हैं, जल्द से जल्द हम उनको पकड़ लेंगे और आगे की विधि कार्रवाई करेंगे।